नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट समय समय पे आपको दी जाती है। और आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज है 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की DSSB को लेके स्पेशली, वो चल रही है और बड़ा जो मज़ा भी आ रहा है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। भाई पिछले 5-7 दिन से जो है, जो लोग जुड़ रहे हैं नए, और ज़्यादा थोड़ा दुख भी होता है कि लेट जुड़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले समय के अनुसार अगर जुड़े होते तो शायद और बेहतर हालात हो सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये है कि एग्ज़ाम पास आने के बाद भी जुड़े हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट ज़रूर होगा। लास्ट टाइम पर भी कवर किया जा सकता है, मैंने जैसे वो वीडियो बनाई थी 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में क्या चीज़ हो सकती है, वो बात को लेके भी कुछ लोग जुड़े होंगे, तो ज़रूर बहुत कुछ हो सकता है। और 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो 2021 का ओलंपिक हो रहा है आपका, 2021 का जो ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में, इसको लेके हैं, क्योंकि इससे भी भाई क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। हालांकि ओलंपिक जो है 23 जुलाई से ओपनिंग हो रही है ओलंपिक की, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ओलंपिक के शुरू होने से पहले ही जो क्वेश्चंस बन गए हैं उनकी, ओलंपिक के शुरू होने से पहले ही जो क्वेश्चंस बन गए हैं उनकी, ओलंपिक से संबंधित हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले। इसके अलावा भाई मैंने DSSB PGT का प्रथम पेपर देखा आज, मैंने आज ही देखा रियल में सुबह उठ के। फिजिकल वाला तो जैसे मैंने वीडियो बनाया देख लिया था, तो वहाँ पे पहले पेपर में जो फर्स्ट पोर्शन था जो GK का, जनरल अवेयरनेस का, उसमें यार 2021-20 की करंट बहुत ज़्यादा आई हुई है, और ख़ास करके 2021 की। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 2021 की स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी थी मोटा मोटी, लेकिन 2021 की जो स्पोर्ट्स के अलावा जो भी करंट अफेयर है ना, उसको भी मैं एक वीडियो की मैराथन क्लास के द्वारा कवर कर दूँ कल ही आज में। और एक मैथ के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई मैराथन क्लास लेके आने की, मैथ के ऊपर। देखो मैंने आज अपना मैथ के जो क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट वगैरह उठाए, हालांकि मैं एक फार्मूलाज के ऊपर वीडियो आपको दे चुका हूँ, अब मैं उन फार्मूलाज को भी प्रैक्टिकल बताने की आपको कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने जब आज वो प्रैक्टिस सेट उठाया तो मैं भी चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मैं भी वो सारी चीज़ें अचेतन मन में डाल चुका हूँ, तो अचेतन मन में से निकाल के लेके आने के लिए मेरे को 2 दिन का समय लगा, क्योंकि मेरे को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, सीधी साधी बात है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं कि स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी भाई, मैं कह नहीं सकता कि मैं करवा पाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी, मैं आपको दे दूं ये चीज़ भी लास्ट टाइम। तो आज की वीडियो होने वाली है 2021 टोक्यो ओलंपिक को लेके, जो क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर के शुरू होने से ही पहले उनको लेके। एक बात और भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो आपके यूपी TGT और PGT एंड साथ में DSSB TGT, भाई DSSB TGT इन दोनों के जो है प्रैक्टिस सेट वे दे रखे हैं 12-12 भाई, इसमें भी 12 हैं, इसमें भी 12, इसमें 11 आ चुके हैं, एक और आना है भाई 2016 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने यूट्यूब पे करवाया था, वो मॉक टेस्ट के रूप में आना है, इसमें आ जाएगा एग्जाम से पहले, वो दे रखा टाइपिंग के लिए, जैसे ही काम होता है वो ऐप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट, आप इनको ले सकते हो। इसके अलावा मैं बार बार बताता हूँ कि UP TGT PGT का कोर्स हिंदी में आप ले सकते हो, और DSSB का कोर्स जो है इंग्लिश में है, वहाँ पे भी 3000 क्वेश्चंस अगर आपकी पढ़ने की कैपेसिटी है तो ले सकते हो, इंग्लिश में ही सारे। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले भाई, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी जो है मिस नहीं होने दी जाती स्पोर्ट्स की। और अभी आज के क्वेश्चंस को हम शुरू कर रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन सकते हैं ओलंपिक को लेके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप राइट आंसर बता सकते हो, कमेंट में आप जो है दे सकते हो आपको कितनी नॉलेज है, आपका टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं बिना देरी के आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86 kg में जो है क्या कर रहे हैं, अंडर विच रेसलिंग कैटेगरी डज दीपक पुनिया रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक। तो 86 kg कैटेगरी में दीपक पुनिया जो है ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन के ऊपर। शिकोइम मीराबाई चानू वोमेन वेटलिफ्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन
खालिस्तान कैटेगरी है, टोक्यो ओलंपिक 2021। जो मीराबाई चानू हैं वो टोक्यो ओलंपिक में, वो टोक्यो ओलंपिक में जो है इंडिया को कहाँ रिप्रेजेंट, किस वेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप बता पाएँ उतना बेटर रहेगा। दो नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप जो है इसको देख सकते, आपको समय दीजिए दिया जा रहा है, पूरा आपको पूरा समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 49 kg, भाई ऑप्शन ए 49 kg, ऑप्शन ए 49 kg यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमने टोक्यो ओलंपिक को लेके कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट फेंसर कौन है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट फेंसर कौन है, ऑप्शन दे रखे हैं, कविता देवी है, भवानी देवी है, शिल्पा गर्ग है, पूजा मिश्रा है। तो कौन है, राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका बनता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु इज़ द वोमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई करने वाली वोमेन इंडियन गोल्फर। एक बात और भाई, ये क्वेश्चन पढ़ लो आप, कि यार ये मत बोलना कि हिंदी में, क्योंकि ये स्ट्रेट क्वेश्चन हैं, इनको हिंदी लैंग्वेज की जरूरत नहीं, इसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई चक्कर आपको नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। गोल्फर को हिंदी में क्या पढ़ोगे आप, गोल्फर ही तो पढ़ोगे ना। तो कौन है वो गोल्फर जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इंडिया की तरफ से, वो आपको बताना है। तो कौन है वो, ऑप्शन सी आदिति अशोक, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाई, ये जो ओलंपिक के क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड जल्द ही आपको एक क्वीज़ भी जो है ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगा, एक क्वीज़, ठीक है। उस क्वीज़ को भी आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, भाई दिन में आ सकता है कभी भी वो क्वीज़, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आपने ऐप डाउनलोड करके, तो चेक करते रहना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो काम थोड़े से अटके हुए हैं, और साइकोलॉजी की क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है 3 घंटे लगे मेरे को विकल्प बनाने में, यार बहुत माइंड लास्ट में इतना हैंग होगा कि मैं बोल नहीं पा रहा था, बस ऐसे निकाल रहा था जल्दी जल्दी सिस्टम को, बिल्कुल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कल, क्योंकि 3 घंटे लगातार जब आप बोल लेते हो तो फिर एनर्जी नहीं रहती, बिल्कुल एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर काम नहीं करता है माइंड। तो कल बड़ा भाई, मैंने वो क्लास शुरू तो कर दी, मेरे को लगता था मैं 1 घंटे में कवर अप कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ें 1 घंटे में कवर होने वाली नहीं थी, उसमें 3 घंटे भी कम पड़ गए उनको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी रही, आपको रियल में हेल्पफुल होने वाली एग्जाम में। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इंडियन वोमेन जिमनास्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2021। पूछा कि कौन सी जो जिमनास्ट हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को, तो कौन है वो जिमनास्ट, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, परिणीति नायक, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ये वो जिमनास्ट हैं जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे जिमनास्टिक के अंदर। इसके बाद हम पहुँच गए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2021 इन मेंज 65 kg कैटेगरी। रेसलिंग से संबंधित क्वेश्चन है और पूछा है कौन सा जो रेसलर है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा 65 kg के अंदर, कौन सा वो है भाई, ये आपको बताना है। तो कौन सा एथलीट है, वो रेसलर है जो 65 kg में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को ओलंपिक के अंदर, तो कौन है वो रेसलर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया भाई, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, और फिलहाल इनसे बड़ी उम्मीदें हैं मेडल जीतने की, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बजरंग पूनिया यहाँ पे राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 7 भाई छोटा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सोनम मलिक इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ओलंपिक्स 2021 इन विच वेट कैटेगरी। सोनम मलिक जो है किस वेट कैटेगरी में रेसलिंग में महिलाओं में रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी 62 kg, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 62 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक्स 2021 मैस्कट। टोक्यो ओलंपिक 2021 का मैस्कट आपसे पूछा है, तो राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको दरअसल बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मिराइटोवा भाई, ऑप्शन बी याद रखें। इसके बाद हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। भाई जो ओलंपिक सिंबल में 5 रिंग्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4ों में से किसी एक को चूज कर लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 5 कंटिनेंट्स जो महाद्वीप है 5 उनको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 5 के 5 सर्कल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवार्डेड। किस ओलंपिक में लास्ट टाइम जो प्योर गोल्ड के जो है मेडल अवार्ड किए गए थे, दिए गए थे, ये आपको बताना है। तो किस ओलंपिक में दिए गए थे लास्ट टाइम, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन ए भाई 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में लास्ट बार प्योर गोल्ड मेडल दिए गए थे, उसके बाद चेंज किया गया था कि प्योर नहीं देने, आजकल जो परत चढ़ाई जाती है मेडल के ऊपर सोने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, ताकि सबको बेनिफिट हो इसका। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग एथलीट हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेडल्स एट ए सिंगल ओलंपिक। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक में, सिंगल ओलंपिक में। तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल फेल्प्स भाई। माइकल फेल्प्स वो खिलाड़ी हैं जिसने एक इंडिविजुअल ओलंपिक के अंदर सबसे अधिक मेडल जीते हैं। इंडिया ने जितने मेडल ऑल सभी ओलंपिक्स में नहीं जीते उससे उसके इक्वल मेडल जीत रखे हैं भाई इसने, माइकल फेल्प्स ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर, रेड ग्रीन येलो ब्लू एंड, पूछा लास्ट वाला कलर भाई, रेड ग्रीन 5 कलर से बने हैं आपके ओलंपिक सिंबल। अब पूछा है 4 का आपको कलर दे दिया, 5वां पूछ लिया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी ब्लैक, ऑप्शन डी ब्लैक भाई, जो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एनिशियंट ग्रीस इन द होनर ऑफ ग्रीक गॉड। जो एनिशियंट टाइम में जो ओलंपिक गेम्स होते थे वो किस गॉड के सम्मान में होते थे, ये आपको बताना है भाई, किसके सम्मान में होते थे ये आपको बताना है, किसके सम्मान में होते थे ये आपको बताना है। तो किसके सम्मान में आयोजित होते थे भाई, जीएस देवता के सम्मान में। कॉमन सा पेपर है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, जीएस देवता के सम्मान में। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव द ओलंपिक गेम्स नॉट बीन हेल्ड ट्विस्ट। मतलब कौन से स्थान पे 2 बार अभी तक ओलंपिक नहीं हुए हैं, कौन सा वो स्थान है जहां पर अभी तक 2 बार ओलंपिक गेम्स आयोजित नहीं हुए हैं वो आपको बताना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन से शहर में 2 बार नहीं हुए, बहुत सारे शहर में 2 बार हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा दिए गए ऑप्शंस में से कौन से शहर में 2 बार ओलंपिक नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, अटलांटा में दोबारा ओलंपिक नहीं हुए हैं, सिर्फ 1 बार हुए हैं 19। चलो ये आप बताओ कमेंट में कि अटलांटा में कब हुए थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर, जो है आपकी स्क्रीन पे, इन विच ईयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, कौन से ईयर में पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा चूज कीजिए, ऑप्शन दिया गया है 1900, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1892। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1896 में पहली बार जो है ओलंपिक आयोजित हुए थे भाई, ठीक है।
इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच टीम लीड्स द प्रोसेशन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स। जो ओपनिंग सेरेमनी में जो आपकी होनी है, ओपनिंग सेरेमनी ओलंपिक गेम्स, कौन सी टीम जो है ओपनिंग सेरेमनी में लीड करेगी एथलीट्स को, मतलब सबसे पहले कौन से देश की टीम आएगी, ठीक है, ये बताना। विच टीम लीड्स द प्रोसेशन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो किस देश की टीम आगे रहेगी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रहेगा राइट आंसर ऑप्शन बी भाई, ग्रीस जो देश है उसकी टीम आगे रहेगी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। हेडक्वार्टर कहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक का, लुसवाने स्विट्जरलैंड, लुसवाने स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स 2012 आर बींग हेल्ड इन लंदन। इन विच अर्लियर ईयर्स हैव द ओलंपिक गेम्स बीन हेल्ड इन लंदन। इससे पहले कब जो है लंदन के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, ये आपको बताना है। तो कब हुए थे भाई, 2012 में लंदन में हुए थे, आप सभी को पता है, लेकिन इससे पहले भी लंदन में आयोजित हो चुके हैं, तो वो कौन कौन से ईयर थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1908 और 1948। 1948 भी जहाँ पे पहली बार इंडिया का जो फ्लैग है, वो भी जो है फहराया गया था, ठीक है। इससे पहले इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्हीं के बैनर के नीचे जो है इंडिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता था। 1920 एंटवर्प ओलंपिक, आपको पता है एंटवर्प ओलंपिक से संबंधित क्या खास बात है, पहली बार ओलंपिक फ्लैग यहाँ पे फहराया गया था। इसके अलावा 1960 रोम, रोम में क्या खास बात थी भाई, रोम में जो ओलंपिक हुए थे 1960 में, रोम में खास बात ये थी कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीवी के ऊपर जो ब्रॉडकास्ट किए गए थे। 1952 हेलसिंकी, इससे संबंधित क्या खास बात है, इससे संबंधित खास बात ये कि यहाँ पे भारत की तरफ से केडी जाधव ने पहली बार इंडिविजुअल मेडल जीता था भाई, किसके अंदर, रेसलिंग के अंदर, ठीक है। अब बच गया एक गेम, सॉरी 1908 से संबंधित खास बात कोई बता सकता है, और 1904, इन दोनों से संबंधित कोई भी एक एक खास बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, मैंने इतनी सारी बातें बता दी आपको, तो आप 1904 और 1908 से संबंधित कोई खास बात ओलंपिक की एक मेरे को बता दो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट आर द नेम ऑफ मैस्कट ऑफ द लंदन ओलंपिक्स 2012। 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुए थे उसका मैस्कट पूछा आपसे कि उसका मैस्कट दरअसल क्या था, उसका मस्कट दरअसल क्या था 2012 के ओलंपिक में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी, वेनलॉक और मेंडेविले, ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक फ्लैग जो फहराया गया था, तो ये आपको पता है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, अभी मैंने आपको राइट आंसर इसका बता दिया था पीछे। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द नंबर ऑफ मेडल्स एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896। भाई किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे 1896 के पहले ओलंपिक में, तो किस देश ने जीते थे सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स मेडल, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है और आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे वो ग्रीस ने जीते थे पहले ओलंपिक में भाई, ग्रीस ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, पैरेडी कुबर्टिन, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रमेटियस विकेलिस कौन थे, कुबर्टिन के साथी थे जिसने ओलंपिक गेम्स शुरू होने में इनका साथ दिया था, और पहले प्रेजिडेंट भी थे ये, पहले प्रेजिडेंट भी चुने गए थे किसके, आई ओ सी के। कब, आई ओ सी की स्थापना 1893 जून 1894 को हुई थी ना, सॉरी 1894 आएगा ये, ठीक है 1894 कोई थी ना, और फिर 1896 से लेके 1925 तक कौन प्रेजिडेंट रहा, कुबर्टिन।
कुबर्टिन की डेथ कब हुई? 1937 में, 1900 और जन्म कब हुआ? 1863 में कुबर्टिन का। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर रखने हैं भाई। और ये समाराज जो थे इन्होंने ओलंपिक गान बनाया था, ओलंपिक गान भाई, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक और है, वो कौन सी है वो आपको बतानी है भाई, वो कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप चूज कर लीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सी जो है राइट यहाँ पे होगी लैंग्वेज? तो ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी जर्मन। तो कौन सी यहाँ पे वो लैंग्वेज है जो इंग्लिश के अलावा ऑफिशियली रजिस्टर्ड है आईओसी के अंदर, जिसको आईओसी जो है फॉलो करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी फ्रेंच, 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 ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। चौबीस नंबर क्वेश्चन, विच टीम इज एट द एंड ऑफ प्रोसेशन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स? कौन सी टीम जो है ओलंपिक्स गेम्स के लास्ट में रहती है ओपनिंग सेरेमनी में, जब खिलाड़ी आते हैं अलग अलग देश के, तो कौन से देश की टीम जो है रहेगी आपको ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए होस्टिंग नेशन भाई, ऑप्शन ए होस्टिंग नेशन की टीम जो है लास्ट में रहती है। और फिलहाल 2021 के टोक्यो ओलंपिक में किस देश की टीम रहेगी लास्ट में, किस देश की टीम रहेगी लास्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, जापान की भाई, क्योंकि जापान में हो रहे हैं तो जापान की टीम सबसे लास्ट में रहेगी भाई, जापान, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बन सकता है उसका, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021? टोक्यो ओलंपिक 2021 का मोटो बताना है भाई आपको। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का मोटो क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन जो है ओलंपिक गेम 2021 टोक्यो का जो है क्या है आपका मोटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक में पहली बार जो है ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो ओलंपिक ज्वाला है पहली बार कब इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में भाई, एम्स्टर्डम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। अब एम्स्टर्डम जब आ गया तो ये हमारे लिए गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो हॉकी टीम थी उसने यहाँ पे गोल्ड जीता था भाई, गोल्ड। और जो जिस टीम ने गोल्ड जीता उसके कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जयपाल सिंह उस टीम के कैप्टन थे जिसने पहली बार हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस मीन? जो ओलंपिक मोटो है सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, उसका मतलब क्या है? हाँ, ये ओलंपिक मोटो चेंज कर दिया भाई ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना वो ओलंपिक मोटो क्या है, ये देखने के लिए कि कितने लोग अपडेटेड हैं। सिर्फ हमें यही देखना है कि कितने लोग अपडेटेड हैं, अपडेट अप टू डेट रहते हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो जीके है, जो भी नए चेंजेज आते हैं सिस्टम में उसके साथ। तो आपको बताना है अब ओलंपिक मोटो क्या है, नया, एक नया शब्द और जुड़ा है इन तीन वर्ड्स के साथ, वो फोर्थ वर्ड आपको बताना है कि वो क्या है फोर्थ वर्ड जो ओलंपिक मोटो में जोड़ा गया है। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी फास्टर हाइयर स्ट्रोंगर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, Among of the following Indians, who was the first to win an individual medal at the Olympic Games? पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स में, तो वो कौन है? KD जाधव, ऑप्शन ए भाई जाधव, ठीक है। पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था? KD जाधव ने। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच सिटी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवार्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक? वो शहर जिसने समर और
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों को ही जो है होस्ट किया है वो कौन सा सिटी है ये आपको बताना है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो वो कौन सा सिटी है, वो सिटी है बीजिंग ओलंपिक, ऑप्शन सी, जिसने दोनों ही ओलंपिक को जो है होस्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन गोल्ड मेडल फॉर मेडल फॉर 400 मीटर रन्स एट टू कंजेक्टिव ओलंपिक गेम्स। लगातार दो ओलंपिक में 400 मीटर में गोल्ड जीतने वाला प्लेयर, गोल्ड जीतने वाला प्लेयर कौन था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चूज कर लीजिए, ऑप्शन ए मिचेल जॉनसन भाई, ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, वहन वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक हेल्ड। प्राचीन ओलंपिक से संबंधित बात है कि पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित हुए, 776 BC। ज्यादा समय लेने का क्वेश्चन नहीं है भाई ये। नेक्स्ट है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लोन विनर ऑफ गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया इन ओलंपिक्स। इंडिया की तरफ से एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी इंडिविजुअल स्पर्धा में, तो वो कौन है, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एट विच ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स डिड ध्यानचंद कैप्टन कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। कौन से ओलंपिक में जो है ध्यानचंद जो है कैप्टन थे इंडिया के हॉकी टीम के, ओलंपिक गेम्स में जहाँ पे इंडिया ने गोल्ड जीता था, तो वो कौन सा ओलंपिक था जहाँ पे जो है कैप्टन थे आपके ध्यानचंद जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो क्या थे जो है वो कैप्टन थे भाई, 1936 के बर्लिन ओलंपिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द ओलंपिक फ्लेम लिट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर। किस स्थान से ओलंपिक फ्लेम को उठाया जाता है ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने से पहले ही, तो किस स्थान से उठाया जाता है ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो स्थान बताना है जहाँ से ओलंपिक फ्लेम को जो है उठाया जाता है, लाया जाता है जहाँ से ओलंपिक गेम्स शुरू होने से पहले ही, तो वो है टेम्पल ऑफ हेरा, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेम्पल ऑफ हेरा एक स्थान है जहाँ पे मंदिर है जिसे गॉड जीएस की वाइफ भी माना गया है और जिसके सम्मान में प्राचीन समय में महिलाओं के लिए गेम्स भी होते थे भाई, तो टेम्पल ऑफ हेरा वहाँ से जो है ओलंपिक फ्लेम को लाया जाता है ओलंपिक गेम्स शुरू होने से पहले पहले हर 4 साल में। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन। पहली ओलंपिक चैंपियन, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। पहली ओलंपिक चैंपियन बोले तो पहला गोल्ड जीतने वाली महिला खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स के अंदर कौन है, राइट आंसर चूज कीजिए, राइट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्लोटे कूपर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है 36 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Who of the following gymnast was the first to be awarded a perfect score of 10 in an Olympic gymnastic event? वो पहली ओलंपिक जिमनास्ट जिसने जिमनास्टिक के अंदर परफेक्ट 10 का स्कोर किया या जिसको अवार्ड किए गए प्रथम 10, पहली बार परफेक्ट 10 का स्कोर, एकमात्र एथलीट जिसने परफेक्ट 10 का स्कोर किया और पहली बार, और उसका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर चूज कर लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देता हूँ, नादिया नादिया कोमनेसी। ठीक है, ऑप्शन सी भाई, याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द 100 मीटर इन इवेंट इन अंडर 10 सेकेंड। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो एथलीट है पहला जिसने 100 मीटर इवेंट को 10 सेकेंड से कम समय में पूरा किया, तो कौन है वो पहले एथलीट जिन्होंने ये कारनामा किया, पहले एथलीट वो आप चूज कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिम हाइंस, ऑप्शन ए।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग इज 1896 बिकम द फर्स्ट चैंपियन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के 1896 में जब शुरू हुए तो पहले चैंपियन, कितने यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कौन है वो पहले एथलीट जो 1896 ओलंपिक में पहली बार चैंपियन बने सबसे पहले, तो कौन है वो एथलीट, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई ऑप्शन डी, जेम्स कोनोली। जेम्स कोनोली वो पहले एथलीट हैं जो 1896 के मॉडर्न ओलंपिक में सबसे पहले चैंपियन बने थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ओथ जो है ली गई थी, किस ओलंपिक में ली गई थी भाई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चूज कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी, एंटवर्प ओलंपिक वो पहला ओलंपिक था जहाँ पे पहली बार ओथ ली गई थी भाई, ओलंपिक ओथ, ओलंपिक शपथ इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स शैल नॉट एक्सिस्ट। मतलब पूछा है भाई ओलंपिक चार्टर के अनुसार जो ओलंपिक गेम्स की ड्यूरेशन है वो ओलंपिक चार्टर के अनुसार कितने दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम लिमिट क्या है ओलंपिक गेम्स आयोजित करने की, कितने दिन में आपको ओलंपिक गेम्स ख़त्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, 16 डेज, 16 डेज आपको मिलते हैं ओलंपिक गेम्स जो है ख़त्म करने के। इसके बाद है, इन हाउ मैनी इवेंट्स मेडल्स गोइंग टू बी अवार्डेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। कितने मेडल्स जो है, कितने इवेंट्स में जो है टोटल यहाँ पे दिए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो टोटल कितने मेडल जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं खिलाड़ियों को, वो आपको बताना है, वो संख्या आपको बतानी है, कितने मेडल्स जो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 333 भाई, 333 टोटल मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में दिए जाएंगे, और कितने स्पोर्ट्स के अंदर दिए जाएंगे, ये 33 भाई, 33 गेम्स के अंदर ये दिए जाएंगे, ठीक है। 333 मेडल हैं और 33 गेम हैं भाई टोटल। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु आर द टू इंडियन एथलीट हु विल बी द फ्लैग बैरियर इन इंडिया। हु आर द टू इंडियन एथलीट हु विल बी द फ्लैग बैरियर ऑफ इंडिया ओपनिंग एट द टोक्यो ओलंपिक 2021। जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है टोक्यो ओलंपिक की, उसमें जो इंडिया के फ्लैग बैरियर हैं वो कौन है, वो आपको बताने हैं। तो कौन है वो फ्लैग बैरियर जो इंडिया की तरफ से जो है सबसे आगे चलेंगे ध्वज लेके इंडिया का, तो वो हैं ऑप्शन ए भाई, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, दो एथलीट जो चुने गए हैं ये जो है फ्लैग बैरियर होंगे। अगर मैं बात करूं क्लोजिंग सेरेमनी की, तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया जो है अकेले फ्लैग बैरियर होंगे इंडिया की तरफ से भाई, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आगे आ भी जाए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ओनली इंडियन एथलीट हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मैन शॉट पुट इवेंट इन टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो मैंज का शॉट पुट कैटेगरी का जो इवेंट है उसमें क्वालिफाई करने वाले भारतीय एथलीट कौन है, वो भारतीय एथलीट बताना है। तो शिवपाल सिंह है, मुरली श्री शंकर हैं, तेजिंदर पाल टूर हैं, नीरज चोपड़ा, कौन है, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर, तेजिंदर पाल टूर जो है शॉट पुट के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके नाम एशियाई रिकॉर्ड भी नाम है इनके नाम भाई। नेक्स्ट है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन बैडमिंटन मेंज सिंगल इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2021 के जो बैडमिंटन का मेंज का जो इवेंट होना है सिंगल का बैडमिंटन का, उसमें इंडिया को कौन सा एथलीट जो है रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा एथलीट रिप्रेजेंट करेगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, साईं प्रीनाथ, ऑप्शन ए। जो बैडमिंटन मेंज सिंगल कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इसके बाद है हु विल बी द फ्लैग वेरियर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2021। बताया था मैंने अभी कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग वेरियर कौन होंगे, बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दीपिका कुमारी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वोमेन्ज इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021। दीपिका कुमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है वोमेन इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट के अंदर। दिस इज गोइंग टू बी हर खालिस्तान ओलंपिक, ये उनका कौन सा ओलंपिक है ये आपको बताना है। तो कौन सा उनका ये ओलंपिक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थर्ड भाई, तीसरी बार वो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करें और उनसे इस बार मेडल की भी उम्मीदें हैं भाई। नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द 50 किलोमीटर वॉक इवेंट मेंज फ्रॉम द इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2021। कौन सा जो खिलाड़ी है जो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है मेंज कैटेगरी में 50 किलोमीटर वॉक इवेंट में इंडिया की तरफ से, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, गुरप्रीत सिंह भाई, ऑप्शन बी, गुरप्रीत सिंह। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्स पर्सन विल रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2021 इन मेंज लॉन्ग जंप इवेंट। लॉन्ग जंप इवेंट के अंदर कौन सा जो एथलीट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो कौन सा वो एथलीट है, ऑप्शन राइट आंसर चूज कीजिए, ऑप्शन बी, मुरली श्री शंकर भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर विल पार्टिसिपेट इन विच वेट कैटेगरी एट बॉक्सिंग इवेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021। जो इंडियन बॉक्सर हैं सिमरनजीत कौर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं ओलंपिक के अंदर, पूछा किस कैटेगरी में कर रही हैं, फ्लाई वेट है, लाइट वेट है, वेल्टर वेट है, मिडल वेट है, तो किस कैटेगरी में वो जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइट वेट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रियंका गोस्वामी एंड भावना जाट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2021। जो प्रियंका गोस्वामी हैं और जो भावना जाट हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, पूछा किस इवेंट में ये पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वॉक, 20 किलोमीटर वॉक को जो है ये में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं ओलंपिक के अंदर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन लगभग कंप्लीट, और टोटल जो है 126 एथलीट भारत की तरफ से जा रहे हैं ओलंपिक के अंदर, जो ज़्यादातर जो है ओलंपिक खेल गांव जो बना है टोक्यो के अंदर वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि 126 एथलीट की लिस्ट भी हमें लेके आनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने ये 126 लोगों की पूरी लिस्ट नहीं डाली होगी किसी ने भी, तो आप कहेंगे तो हम वो वीडियो भी ले आएंगे। आपको लगता है कि एथलीट की लिस्ट भी आनी चाहिए विद फोटो डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करें, वो भी ले आएंगे। लेकिन आज के 50 क्वेश्चंस ओलंपिक को लेके थे वो कंप्लीट हुए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए जो है आप जो है कोई भी आपको टॉपिक लगता है थोड़ा सा मुश्किल वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी वीडियो आ सकती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।